बिहार विधान परिषद सदस्य हुलास पांडे ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है गरीब और मजदूरों के हित के लिए हमेशा ही खड़ा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में ये कोरोना जैसी महामारी में भी कई कार्यक्रम चलाए गए ताकि मजदूरों को सहयोग किया जा सके, और साथ में उन्होंने पत्रकारों को भी बधाई दी कि कोरोना जैसे महामारी में कर्मी योद्धा का कार्य किए। कोरोना जैसी महामारी में लोक जनशक्ति पार्टी भी आगे आया है और देश के जितने मजदूर हैं बिहारी मजदूरों को बचाने और उनके घर तक लाने में काफ़ी ही सहयोग भी करने की बात पूर्व विधान परिषद सदस्य हुलास पांडे ने पत्रकारों के समक्ष कहा। हुलास पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा गरीब और मजदूरों के सहयोग में खड़ा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में कई कार्यक्रम भी चलाया गया, साथ में उन्होंने पत्रकारों को भी बधाई दी कि कोरोना जैसे महामारी में एकजुट होकर लड़ाई लड़े। बिहार की जनता के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, उन सबको लोक जनशक्ति पार्टी उनके प्रति आभार व्यक्त करती है और उनको सम्मान देती है। हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी राजेंद्र विश्वकर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे नगर अध्यक्ष भाई सोनू जी यहाँ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार में जो बिहार से बाहर मजदूर साथी थे, बिहारी थे, जो फंसे हुए थे लॉकडाउन में, उन सबको लाने के लिए सबसे पहला चिंता लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से और आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी की तरफ से की गई। उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्री जी से बात करने का काम किया और जिसका प्रतिफल आया कि अनेकों श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, बसों का इंतजाम किया गया, कुछ थोड़ी बहुत असुविधा हुई कोऑर्डिनेशन में राज्य सरकारों को कोऑर्डिनेशन करने में, लेकिन फिर भी उसका प्रतिफल अच्छा आया कि सभी आज हमारे जो मजदूर भाई हैं, हमारे जो नौजवान जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्य प्रदेशों में गए थे, लगभग लोग आज बिहार प्रांत में सकुशल अपने घर पहुँचे हैं। कुछ लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पर जाना पड़ा, कुछ असुविधाएँ हुई, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के सभी साथी इस महामारी काल में भी सदैव बिहार की जनता के सेवा के लिए तत्पर रहे, चाहे वो दूरभाष से संपर्क में रहे, तो इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से सभी साथियों के प्रति भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आभार व्यक्त किया।